नूर इनायत खान को इंसानी तारीख की बहादुर तरीन खातून के लकब से नवाजा जाता है, जिसने दूसरी जंग अजीम के दौरान बरतानिया के लिए जासूसी की और बिलाखिर जर्मन फौज के हाथों गिरफ्तार होकर 10 माह की अजियतों के बाद उन्हें गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। इंडिया टाइम्स के मुताबिक नूर इनायत खान का पूरा नाम नूरुन्निसा इनायत खान था। वो 1 जनवरी 1914 को बरतानिया में पैदा हुई और 13 सितंबर 1944 को उन्हें नाजी जर्मनी की खुफिया पुलिस गेस्टापो ने कत्ल कर दिया। कत्ल करने से कबल गेस्टापो की तरफ से उनसे राज उगलवाने के लिए हर जुल्म आजमाया गया, लेकिन वो नूर इनायत खान से कुछ ना पूछ सके। नूर इनायत खान की जुर्रत और बहादुरी की कहानी आज भी बरतानिया और फ्रांस में बेहद मकबूल है। उनकी खिदमात के एतराफ़ में उन्हें बरतानिया के सबसे बड़े शहरी एजाज जॉर्ज क्रॉस से नवाजा गया। फ्रांस की तरफ से भी उन्हें आला एजाज क्रॉक्स डी गोयरे से नवाजा गया। उनकी याद में लंदन के गोल्डन स्क्वायर में एक यादगार बनाई गई, जो बरतानिया में किसी मुसलमान और किसी एशियाई खातून के एजाज में पहली यादगार है। नूर इनायत खान 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। उनके वालिद इनायत खान 18वीं सदी में सल्तनत खुदादाद मैसूर के हुक्मरान टीपू सुल्तान के पड़पोते थे। वो एक सूफी मनश इंसान थे। वह अदम तशद्दुद के कायल और आरफाना मौसीकी के शैदाई थे। उन्होंने तसव्वुफ़ का पैगाम फैलाने का काम किया। वो अपने ख़ानदान के साथ पहले लंदन और फिर पेरिस में मुकीम हुए। नूर इनायत खान की माँ एक अमरीकी सफ़ेद फार्म औरत थी, जो मुसलमान हो गई और इनायत खान के साथ शादी कर ली। उस खातून का असल नाम उरारे बेकर था, तहम इस्लाम कबूल करने के बाद उसका नाम अमीना बेगम रखा गया। 1927 में अपने वालिद के इंतकाल के बाद माँ और बहन भाइयों की किफालत की जिम्मेदारी नूर ने अपने सिरे ले ली थी। इस वक्त नूर की उम्र महज 13 साल थी। वह अपनी फैमिली के हमराह 26 साल की उम्र तक पेरिस में मुकीम रही। दूसरी जंग अजीम के दौरान जब जर्मन फौज ने फ्रांस पर हमला किया, नूर अपनी फैमिली के हमराह फरार होकर बरतानिया चली गई। ये वो वक्त था जब नूर और उसके छोटे भाई विलायत ने नाजियों के ख़िलाफ़ बरतानिया की मदद करने का फ़ैसला किया। चुनाचे 1940 में नूर इनायत खान ने वीमेंस ऑक्सिलरी एयरफोर्स ज्वाइन कर ली। उनकी तरबियत एक वायरलेस ऑपरेटर के तौर पर की गई थी। एक साल बाद नूर ने इंटेलिजेंस के लिए अप्लाई कर दिया और 1943 में उन्हें स्पेशल ऑपरेशंस एग्जेक्टिव के फ्रांस सेक्शन के लिए मुंतखब कर लिया गया। उन्हें कोडनियम मेडलिनी के साथ फ्रांस भेजा गया, जहां से उनके जासूसी के सफ़र का आगाज हुआ। इस दौरान वो जीनी मेरी रेनियर के नाम से बच्चों की नर्स के तौर पर भी काम करती रहीं, तहम उनका असल काम जासूसी ही था।